हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं कॉम्पिटेटिव ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउन क्लोज को डिस्कस करने वाला हूं। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम क्या है? नाउन क्लोज। अब नाउन क्लोज क्या होता है? देखने से हमें पता चल रहा है कि नाउन क्लोज वो क्लोज होता है जो एक सेंटेंस में, जो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन का फंक्शन परफॉर्म करता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्लोज नाउन क्लोज है या नहीं? क्योंकि जो हमारे सबॉर्डिनेट क्लोज होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज और नाउन क्लोज। और जो हम उनमें जो लिंकर यूज करते हैं, जैसे कि हम हु यूज करते हैं, हु एडजेक्टिव में भी हो सकता है और हमारा नाउन में भी हो सकता है। व्हेन, वेयर है वो हमारे एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब तीनों में हो सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्लोज नाउन क्लोज है या नहीं है? उसका एक बड़ा सिंपल सा आंसर है। जिस भी क्लोज का आंसर किससे बन जाए, व्हाट से, जिस भी क्लोज का आंसर व्हाट से आ जाए, मींस एक सेंटेंस दिया हो, जब हम ये क्वेश्चन पूछे व्हाट और उसका आंसर आ जाए तो वो नाउन क्लोज होगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। आप इसके सहायता से बिल्कुल इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा क्लोज नाउन क्लोज है या नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आई डोंट रिमेंबर व्हेन ही लेफ्ट। अब इसमें जो व्हेन ही लेफ्ट है, ये हमारा कौन सा है? नाउन क्लोज है। अब हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाए कि ये नाउन क्लोज है? क्योंकि व्हेन हमारा एडजेक्टिव क्लोज में भी यूज होता है, एडवर्ब क्लोज में भी यूज होता है। इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। देखिए, आई डोंट रिमेंबर व्हेन ही लेफ्ट, इसका हम क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट से, कैसे का आंसर आता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डोंट आई रिमेंबर, मुझे क्या याद नहीं है, उसका आंसर क्या आया? When he left, कि वो कब गया। तो इसका मतलब ये कौन सा हमारा है? Noun clause है। तो this is the simple criteria to identify noun clause। आपने क्या करना है, जो हमारा main clause होता है उस पे what का question बनाइए और उसका अगर answer what से बनता है, क्या means I don't remember, मुझे क्या याद नहीं है, तो उसका आंसर क्या आया? When he left, कि वो कब गया। दिस इज अ सिंपल रूल जिसकी सहायता से आप नाउन क्लोज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्वेश्चन आपने किससे पूछना है? व्हाट से। और जब क्या का आंसर आ जाए तो आपका वो नाउन क्लोज होगा। अब आपके जो नाउन क्लोज होते हैं वो दो प्रकार, वो हमारे फाइनाइट भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? नॉन फाइनाइट भी हो सकते हैं। अब इसके बारे में मैं डिटेल से चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने चार वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप उनको जाके बड़ी डीपली समझ सकते हो नॉन फाइनाइट को। यहां मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक दूंगा। सीधी सी बात है कि जो हमारा क्लोज किससे शुरू होगा, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी से, या वर्ब की थर्ड फॉर्म से, या having plus में verb की third form से, जो भी clause इन चार में से किसी से start होगा वो हमारा क्या होगा? non-finite होगा। otherwise वो कौन सा clause होता है? finite clause होता है। मैं एक इसका भी example देता हूँ, noun clause का, non-finite का example आपको देता हूँ। for example, to leave the matter at this point would be questionable, would be questionable, to leave the matter at this point would be questionable। अब इसका वही हम क्राइटेरिया अडॉप्ट करते हैं, किससे शुरू हो रहा है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ये नॉन फाइनाइट क्लोज है। हम क्राइटेरिया वही व्हाट वाला शुरू करते हैं, इस पे क्वेश्चन बनाते हैं, व्हाट वुड बी क्वेश्चनेबल, क्या क्वेश्चनेबल होगा? मैटर को, लीव मैंने छोड़ना, मैटर मैंने विषय को, कि मैटर को इस पॉइंट पर छोड़ना। अब देखो इसका आंसर व्हाट से आ रहा है, व्हाट, व्हाट बी क्वेश्चनेबल, क्वेश्चनेबल क्या होगा? मैटर को इस पॉइंट पर छोड़ना। तो ये हमारा कौन सा है? नाउन क्लोज है। कौन सा क्लोज है? नॉन फाइनाइट नाउन क्लोज है। तो दिस इज नॉन फाइनाइट नाउन क्लोज। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ और फंक्शंस ऑफ नाउन क्लोज। हमारे इंग्लिश ग्रामर में जो हमारा नाउन है वो कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है। सिमिलरली जो नाउन क्लोज है वो भी एक सेंटेंस में सिक्स फंक्शन परफॉर्म करता है, उनको हम डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले आते हैं एज ए सब्जेक्ट. सबसे पहले जो एक नाउन क्लोज एक फंक्शन परफॉर्म करता है वो करता है एज ए सब्जेक्ट. आपको इंग्लिश का बेसिक पैटर्न पता ही होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा बेसिक पैटर्न होता है. तो एज ए सब्जेक्ट में जो नाउन क्लोज होता है वो कहां आता है, वर्ब से पहले आता है. देखो सब्जेक्ट कहां है, वर्ब से पहले. तो इसमें नाउन क्लोज क्या आएगा, वर्ब से पहले आएगा. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, व्हाट ही वांट्स इज अ कप ऑफ टी. व्हाट ही वांट्स इज अ कप ऑफ टी. इसमें देखिए जो व्हाट ही वांट्स जो हमारा क्लोज है वो किससे आ रहा है, वर्ब से तुरंत पहले आ रहा है. इज इज ए वर्ब, क्लियर. तो ये हमारा किसका काम कर रहा है, एज ए सब्जेक्ट. सो व्हेन ए क्लोज, जब एक क्लोज नाउन क्लोज सब्जेक्ट वर्ब से तुरंत पहले आता है, इट वर्क्स एज ए सब्जेक्ट. दिस इज सिंपल, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. और मैंने एक नॉन फाइनाइट का भी अभी आपको एग्जांपल दिया था, टू लीव द मैटर एट दिस स्टेज वुड बी क्वेश्चनेबल. उसमें टू लीव द मैटर एट दिस स्टेज क्या था, वुड से पहले था, तो वो किसका काम कर रहा था, एज ए सब्जेक्ट. वो नॉन फाइनाइट था, ये हमारा फाइनाइट है. अब हम चलते हैं दूसरे फंक्शन की तरफ जो हमारा नाउन क्लोज काम करते हैं, एंड सेकेंड इज एज एन ऑब्जेक्ट. अभी मैंने बेसिक पैटर्न आपके साथ डिस्कस किया था. बेसिक पैटर्न हमारा क्या है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट वर्ब के बाद. तो इस कंडीशन में जो नाउन क्लोज आता है वो क्या आता है, वर्ब्स के तुरंत बाद आता है, वर्ब के तुरंत बाद आता है. एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट रिमेंबर what he wanted. What he wanted, देखिए जो what he wanted है ये क्या आ रहा है, verb आ गई, verb के तुरंत बाद आ रहा है, तो ये किसका काम कर रहा है, as an object का काम करता है. इसका हम वो रूल भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं कि ये नाउन क्लोज है या नहीं है. वही व्हाट डोंट आई रिमेंबर, मैं क्या याद नहीं करता, आंसर आ रहा है व्हाट ही वांटेड. तो ये एज एन ऑब्जेक्ट है. अब एज एन ऑब्जेक्ट हमारा नॉन फाइनाइट भी हो सकता है, मैं उसका भी एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल ही क्लेम्स टू बी एन एक्सपर्ट. नाउ ही क्लेम्स टू बी एन एक्सपर्ट. यहां देखिए क्लेम्स हमारी वर्ब आ गई, वर्ब के बाद जो हमारा दे रखा है वो क्या काम कर रहा है, एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है. मैंने यही बताया था कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद जो क्लोज दिया होगा वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्लोज होता है. और व्हाट वाला क्राइटेरिया मत भूलना, ये कौन सा है, नॉन फाइनाइट है, क्योंकि ये किससे शुरू हो रहा है, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है. तो ये हमारे आपके दो फंक्शन जो मैंने डिस्कस किया, आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे. अब हम चलते हैं हमारे थर्ड फंक्शन की तरफ, ये ध्यान से सुनना, दैट इज एज एन एपोजिशन टू सब्जेक्ट. अब इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको एपोजिशन का मीनिंग बताना चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपोजिशन. एपोजिशन का मतलब होता है द सेम थिंग इन डिफरेंट वर्ड्स. द सेम थिंग इन डिफरेंट वर्ड्स मीन्स कि कोई चीज किसी चीज को डिफाइन नहीं, मीन्स उसको सेम टू सेम रिपीट करती है डिफरेंट वर्ड्स में. मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू आपको क्लियर करता हूं. मैं ये क्लोज का एग्जांपल नहीं दे रहा, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं. क्लोज का एग्जांपल हम बाद में डिस्कस करेंगे, सिंपल एग्जांपल देते हैं. पंडित नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया is loved. अब इसमें देखिए, the first prime minister of India. अब first prime minister of India कौन था? पंडित नेहरू. तो ये जो है the first prime minister of India, ये जो हमारा noun है पंडित नेहरू. Noun तो आपको पता है, name of a place, person or thing. तो ये किसी व्यक्ति का नाम है, ये noun है. तो first prime minister of India क्या कर रही है? नेहरू को repeat कर रही है किसमें? Different words में. इसे ही हम क्या कहते हैं? Apposition. तो इसमें क्या होगा, एज एन एपोजिशन टू सब्जेक्ट में क्या होगा, नाउन क्लोज के इस फंक्शन में क्या होगा कि क्लोज आएगा, क्लोज क्या आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा, क्योंकि किसका काम कर रहा है, एज एन एपोजिशन टू सब्जेक्ट.
सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्लोज आएगा और सब्जेक्ट को क्या करेगा, रिपीट करेगा डिफरेंट वर्ड्स में, मींस सेम टू सेम सब्जेक्ट को रिपीट करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम नाउन क्लोज का, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। द सजेशन दैट ही शुड बी प्रमोटेड was rejected. The suggestion that he should be promoted was rejected. तो ये कि हमारा इसमें subject क्या है? Suggestion. और ये क्या है? That he should be promoted. ये हमारा close आ गया. That he should be promoted. ये हमारी verb आ गई. Clear? तो अब देखिए इससे ये जो हमारा close है, that he should be promoted. ये कौन सा close है? Noun clause working as an apposition to subject. Subject को ही repeat कर रहे हैं। देखो, suggestion क्या था? उसे promote किया जाना चाहिए। उसको promote किया जाना क्या है? एक सुझाव है। तो ये same to same है, different words में। तो that he should be promoted भी हमारा क्या है? As an apposition to subject है। अब as an apposition to subject finite भी हो सकता है, non-finite भी हो सकता है। मैं आपको एक non-finite का भी example देता हूँ। वो भी clear हो जाएगा। The proposal to enhance salary was accepted. फिर देखिए ये हमारा proposal क्या आ गया, subject आ गया। अब देखिए proposal क्या था, salary बढ़ाना, enhance मैंने बढ़ाना, salary बढ़ाना क्या है, proposal है, ये same to same है, तो ये हमारा कौन सा है, non-finite noun clause working as an apposition to subject। मेरे ख्याल में आपको concept clear हो गया होगा। अब चलते हैं fourth type की तरफ। fourth type क्या है, as an apposition to, पहले हमने subject discuss किया, अब हम क्या discuss करेंगे, object discuss करेंगे, as an apposition to object, वही formula है, apposition मैंने आपको बताया, repetition in different words, किसी चीज को repeat करना, दूसरे शब्दों में पहले में क्या किया था, subject को repeat किया था, अब यह हमारा क्या repeat करेगा, object को repeat करेगा, object के तुरंत बाद noun हो जाता है और object को same to same क्या करता है, repeat करता है। जो मैंने आपको sentences दिए उसको आप थोड़ा सा ऐसे change करके example देते हैं। For example, the government has taken the decision to ban plastic bags. इसमें देखिए हमारा government क्या आ गया, subject आ गया, has taken हमारी verb आ गई, decision क्या आ गया, हमारा object आ गया। अब जो हमारा क्लोज है टू बैन प्लास्टिक बैग्स, देखो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद दिया हुआ और देखो उसी को रिपीट कर रहा है, डिसीजन क्या था, प्लास्टिक बैग्स को बैन करना, और प्लास्टिक बैग्स को बैन करना क्या है, डिसीजन है, सेम ही चीज है डिफरेंट वर्ड्स में, तो ये हमारा कौन सा है, नॉन फाइनाइट नाउन क्लोज वर्किंग एज एन एपोजिशन टू ऑब्जेक्ट, ये नॉन फाइनाइट का है। सिमिलरली हमारा फाइनाइट भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ही रिजेक्टेड द proposal that he should be given extra wages, तो यहां that he should be given extra wages वो क्या था, proposal था, same to same था, तो इस प्रकार ये finite भी हो सकता है और non-finite भी हो सकता है। अब हम चलते हैं fifth type की तरफ, noun clause, six types का होता है fifth हमारा जो है, तो ये function करता है, and that is as an object of preposition, as an object of preposition, preposition के object के रूप में, इसको पहचानना भी बड़ा आसान होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा noun clause होता है वो preposition के क्या होता है, तुरंत बाद आएगा, तो preposition के तुरंत बाद हमारा noun clause दिया होगा। एक example लेते हैं, for example, he insisted on seeing Ram personally. अब देखिए he insisted on seeing Ram personally. तो इसमें देखिए seeing Ram personally,
ये हमारा कौन सा है नॉन फाइनाइट नाउन क्लोज है क्योंकि किससे शुरू हो रहा है वी प्लस आईएनजी से और किसका काम कर रहा है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन क्योंकि यहां पर प्रेपोजिशन क्या दिया हुआ है ऑन इसके तुरंत बाद ये क्लोज आ रहा है तो इट इज वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन और वो क्राइटेरिया भी आप अडॉप्ट कर सकते हो व्हाट वाला ही इंसिस्टेड ऑन इंसिस्ट मतलब तो जिद करना उसने किस चीज की जिद की क्या जिद की है ना व्हाट डिड ही इंसिस्ट उसने क्या जिद की कि राम को पर्सनली मिलना है तो व्हाट से आंसर आ रहा है व्हाट वाला क्राइटेरिया नहीं बोला दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जिस भी क्वेश्चन का आंसर व्हाट लगाने से अगर उसका आंसर आ जाता है तो वो हमारा नाउन क्लोज होगा दिस इज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन ये मैंने आपको नॉन फाइनाइट का एग्जाम्पल दिया है मैं आपको फाइनाइट का भी एग्जाम्पल देता हूं फॉर एग्जाम्पल ही is interested in what he wants. He is interested in what he wants. ये हमारा कौन सा फाइनाइट क्लोज है देखिए प्रेपोजिशन के तुरंत बाद आ रहा है what he wants. This is as an object of a preposition noun clause. और come to our sixth and the last type of clause. And the sixth and the last type of clause is as complement. Sixth में हमारा जो noun clause है वो किसका काम करता है complement का. अब complement क्या होता है complement को हम हिंदी में कहते हैं पूरक. पूरक क्या होता है that means anything that completes the sense. जो sense को पूरा करता है. अब हम कैसे identify करेंगे कि कौन कि noun clause कब complement का काम कर रहा है क्योंकि यहां भी जो नाउन क्लोज है वो वर्ब के तुरंत बाद आता है और हमने ऑब्जेक्ट किया था ऑब्जेक्ट भी वर्ब के तुरंत बाद आता है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है या एज ए कॉम्प्लीमेंट इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला कि कॉम्प्लीमेंट में जो नाउन क्लोज होता है ना वो किसके बाद आता है बी फॉर्म के बाद आता है आपको ध्यान रखना बी फॉर्म के बाद और बी की कौन कौन सी फॉर्म है इज एम आर वॉज और वर्क अगर कोई क्लोज इज एम आर वॉज वर्ब के बाद आता है और जो दैट से शुरू होता है या फाइनाइट नॉन फाइनाइट एनीथिंग होता है और जिसका व्हाट से आंसर आता है वो हमारा क्या होगा एज कॉम्प्लीमेंट होगा जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं द न्यूज इज दैट ही हैज लेफ्ट द जॉब द न्यूज इज दैट ही हैज लेफ्ट द जॉब न्यूज हमारा सब्जेक्ट आ गया और यहां पर हमारी क्या आ गई यहां पर हमारी बी फॉर्म आ गई द न्यूज इज दैट ही हैज लेफ्ट द फॉर्म ये बी फॉर्म आ गई तो ये हमारा क्या है जी एज कॉम्प्लीमेंट काम कर रहा है क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन है कि ये नाउन क्लोज किसका काम कर रहा है कॉम्प्लीमेंट का ऑब्जेक्ट का जब एडवांस्ड ग्रामर में जाते हैं जब हम स्पेशली पीजीटी इंग्लिश की बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन हाई लेवल के कंपटीशन में पूछा जाता है अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है एक सेंटेंस दिया जाता है वो पूछा जाता है कि ये नाउन क्लोज है या एडजेक्टिव क्लोज है या एडवर्ब क्लोज है लेकिन जब हाई लेवल के कंपटीशन में आपसे उसका टाइप भी पूछ लिया जाता है कि वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो आई थिंक दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ नाउन क्लोज कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद हमें कुछ समझ में आया है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए